खिदिरपुर के इकबालपुर थाना इलाके में आज सुबह एक लड़की की बोरे में लिपटी हुई लाश बरामद हुई। लड़की का नाम सबा खातून उर्फ नैना बताया जा रहा है। सबा खातून जो अपनी दोस्त रेशमा के घर पर रहा करती थी, रात तकरीबन 7:30 बजे सबा अपनी दोस्त रेशमा के घर से निकली और काफी रात तक घर नहीं पहुंची। राबता करने पर उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ पाया गया। सुबह मौलाना मोहम्मदी रोड के फुटपाथ पर जब लोगों की नजर उस प्लास्टिक बैग पर पड़ी तो लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार से खुफिया महकमा की पुलिस और जासूसी कुत्ते घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि सबा अपनी दोस्त रेशमा के घर ज्यादातर रहा करती थी। सबा की मां के देहांत के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और खिदिरपुर से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। इस दौरान सबा को नशे की लत भी लग गई थी। स्थानीय लोगों की माने तो सबा भवानीपुर के गुरुद्वारा के पास चाय की दुकान में देर रात तक देखे गए हैं। सबा को दो लड़कों के साथ स्कूटी पर भी देखा गया है और दोनों लड़के नशे में थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने में इकबालपुर इलाके में ये चौथा हत्या का मामला सामने आया है। इन हत्याओं से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की घटना सामने आने के बाद पुलिस क्या कर रही है। आखिर हत्यारों का मनोबल क्यों बढ़ रहा है? इन हत्यारों पर पुलिस कब शिकंजा कसेगी?